सब्सक्राइब कीजिए स्टार गुरु यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, इस घंटे वाले आइकन को दबाना ना भूलिएगा एकदम धमाकेदार वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार गुरु में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। दोस्तों, इस ट्रिक की मदद से आप अपनी पर्सनल फोटो, वीडियो, अपना जो ऑडियो है, अपना कॉन्टेक्ट है, वो आसानी से आप छुपा सकते हो, हाइड कर सकते हो। फिर चाहे आपका मोबाइल किसी के भी हाथ में हो, जो आपने अपने पर्सनल डाटा छुपा रखे हैं वो कोई भी नहीं समझ पाएगा, वो कोई भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि इस मोबाइल में कुछ ऐसा भी है जो आपने छुपा रखा है। दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है और ये कोड है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इसका कमाल दिखा देता हूँ, उसके बाद में आपको बताऊंगा कि इसको आपको कैसे एक्टिवेट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं सबसे पहले इस एप्लीकेशन का कमाल दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैं मेरे जो मोबाइल का डायलर है उसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं वो कोड लगाता हूँ जो मैंने आपको यहाँ पे बता रखे हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं वो कोड लगाने के लिए मैं लगाता हूँ ##, उसके बाद में आपको लगाना 5555। ठीक है दोस्तों, ये कोड लगाने के बाद में आपको यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डायलर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे वही जो मैंने शुरू में लगाया था 55, वो बगैर हैश के आपको यहाँ पे टाइप करना है 4 बार 55, फिर ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी आप इमेज, वीडियो, ऑडियो जो भी छुपाएंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप आसानी से देख सकते हैं और कोई आपके अलावा कोई भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसको इस ट्रिक के बारे में पता ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि इसको आपको कैसे एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर पर। तो चलिए मैं मेरा प्ले स्टोर ओपन करता हूँ। और दोस्तों, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे टॉप में जो सर्च बार है वहाँ पे आपको लिखना है डायलर, DIALER डायलर वॉलेट। ठीक है दोस्तों, जैसे आप डायलर वॉलेट लिखेंगे तो नीचे ये आ जाएगा डायलर वॉलेट, आई हाइड फोटो एंड वीडियो, तो आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का आइकन वाला एक एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। ये मेरे पास पहले इंस्टॉल था, मगर मैंने आपको बेहतर समझाने के लिए इसको अनइंस्टॉल करके मैं दोबारा से इंस्टॉल करके आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं यहाँ से दोबारा इसको इंस्टॉल करता हूँ और इंस्टॉल करके आपको इसको पूरी तरीके से इसकी सेटिंग के बारे में बताता हूँ कि किस तरीके से आपको एक्टिवेट करना है और किस तरीके से ये एप्लीकेशन काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुका है और अब मैं यहीं से इसको डायरेक्ट ओपन करके आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो नीचे आपको यहाँ पे एरो दिख रहा है, उस पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और लास्ट तक आपको क्लिक करते रहना है, उसके बाद में यहाँ पे ओके कर देना है। यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फेवरेट क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन है सिक्योरिटी का, उसको आपको यहाँ पे करना है, ताकि आप जब भी पासवर्ड भूल जाएं तो वो आप यहाँ पे काम आ सके। तो यहाँ पे ये हीरो के बारे में पूछा, मैंने यहाँ पे डाल दिया है, उसके बाद में आपको ओके कर देना है। जैसे ओके करेंगे तो ये एप्लीकेशन आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पे ओके कर देना है। अब दोस्तों, सबसे पहले आप क्या करना है, यहाँ पे अपने जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेने हैं। चलिए यहाँ पे कोई भी पासवर्ड लगा लेने हैं, 4 अक्षरों में होने चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पे 33 को 4 बार लगा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपको यहाँ पे ओके करना है। ओके करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कंफर्म के लिए आपको फिर से वही पासवर्ड आपको लगाने हैं जो अभी लगाए। तो चलिए मैंने वो पासवर्ड फिर से लगा देता हूँ, 4 बार 33, उसके बाद में ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे, यहाँ पे भी आपको ओके कर देना है। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, आप अपनी जो इमेज है, वीडियो है, ऑडियो है, फाइल है या कॉन्टैक्ट है, जो भी आपके पर्सनल चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। उस पर क्लिक करना और यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करके आप जो भी फोटो लेंगे वो वहाँ से हट जाएंगी और इसमें आके वो रोकी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आप यहाँ पे जो अपनी इमेज या वीडियो होंगे वो आपको यहाँ पे सेफ मिलेंगे, कोई भी नहीं देख पाएगा। अब दोस्तों, इसके अलावा आप इस एप्लीकेशन को हाइड भी कर सकते हो, तो उसके लिए आपको सेटिंग में आना है और सेटिंग में आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा हाइड ऐप आइकन, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डिसेबल मिलेगा, तो आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे आप इनेबल करेंगे तो ये एप्लीकेशन है, ये आपके जो मोबाइल है वहाँ से हाइड हो जाएगा, ये किसी को भी नहीं दिखेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी वॉलेट आए, जो डायलर वॉलेट है उस नाम से कोई भी एप्लीकेशन मेरे मोबाइल में नहीं है। अब दोस्तों, इसकी ट्रिक है कि इसको आपको कैसे लाना है या कैसे आपको देखना है। तो उसके लिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने मोबाइल के जो डायलर है उसमें, और डायलर में जाने के बाद दोस्तों, जो भी आपने पासवर्ड लगाए हैं उससे पहले 2 बार हैश लगाना है। पहले मैं यहाँ पे 2 बार हैश लगा देता हूँ और मैंने वो पासवर्ड लगाए थे 333, तो वो अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, उसके बाद में ओके कर देते हैं। जैसे हम ओके करेंगे तो ये एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करना है, 4 बार वही 33 जो आपने पासवर्ड लगाए वो यहाँ पे लगाना है। जैसे आप लगाएंगे तो आपके सामने ये जो आपका एप्लीकेशन है, जो आपकी इमेज वीडियो है, वो आपके सामने आ जाएंगे। चलिए मैं ओके करता हूँ और यहाँ से आप अपने इमेज जो भी चीज़ छुपाई है वो आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही कमाल का ये आपके लिए एप्लीकेशन है। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक बटन पर क्लिक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।